नमस्कार प्रणाम अपने सबके, हम छी बिरजू कुमार और अपने सबके देख रहा छी बिरजू श्याम। अभी हम छी धर्मेंद्र जी के यहाँ। धर्मेंद्र जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर छथिन और अपन वेबसाइट ब्लॉग के रूप में चलाबै छथिन, अपन आर्टिकल लिखे छथिन यूट्यूब पर भी। हिनकर चैनल छै जेकर लाख से प्लस सब्सक्राइबर छै। हिनकर जर्नी अगर जानबै तऽ अहूँ के लालसा है कि काश हमहूँ ओहि फील्ड में आबो, लेकिन ई वहाँ तक पहुँचलखिन केना, ओकरा जानलाक बाद केहन केहन के पैर थरथरा जाय छै, ओ चीज आइ के पॉडकास्ट में हम शामिल करब। और हिनकर जो पॉडकास्ट छै ए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओ वीडियो के लिंक मिल जेतै। और अभी हुनका हम घर पर छी और घर के नजारा देख के लागि रहल यऽ सब हिनके रहमो करम पर छै। हम सही बोल रहल छी? आब धर्मेंद्र जी अपने के कुछ बात करियो मिथिला के लेकर के, या फिर अपने भी जे भी अपने कहे चाहे छी कुछ बोलियो। अच्छा, तो बोलियो आदा बाकी बात जे छै ओ कोई पर। जी 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 बिल्कुल। आइ मैं चाहे ना बोल जे भी आ सबसे पहले इनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमरा एक काबिल समझल के कि हमारा घर पे एलखिन आना, और एक काबिल समझ के एलखिन आना। तो हम अहाँ सब बतबे चाहबे कि हम दरभंगा जिला के छोटा सा गाँव रहे छे और फैमिली बैकग्राउंड बहुत पहले छे दयनीय रहे, हालांकि अब सब कुछ सुधार हो गेल छे। तो बहुत संघर्ष बहुत मेहनत छे एक पीछे। आप समझ सकते हैं जो नॉर्मल फैमिली लोग रहे हैं जो गांव घर में जो रहे हैं और इतने ऊपर उठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज है। और बात बाकी जो फुल है वीडियो वहाँ के स्टोरी ऑफ ये भी गाँव की जर्नी रहते हैं शुरुआत से लेके अभी तक के, वो सब कुछ अहाँ के स्टोरी ऑफ पहली बार है कि अपने समाज अगर वो वीडियो देखे जॉइन करते बारीकी से। हाँ, क्योंकि अभी तक सबके समझा रहा मुश्किल। और सबसे बड़ी बात की अभी तक चैनल है लगभग 1 लाख से प्लस सब्सक्राइब हो गए छे, लेकिन अभी तक अपन हम फेस नहीं देखे, चूंकि हालांकि बच्चा सब बहुत कमेंट करे छे कि सर अपना चैनल की नाम छे अष्टाडी। हाँ, मतलब सिर्फ आवाज से जाने छे बच्चा कि ये है, मतलब ना सिस्टम है, लेकिन ये नहीं जाने आगे जे छिए के, चूंकि उधर फेस हम निकल है जिनका हम बाहर लावे कोशिश कर रहे छे। हां, ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन हो, सब माध्यम से ये सिचुएशन बहुत पहले देनी है। आप जो सुधार रहे तो आप सब उस सेटअप करवे तब जाके आप फेस भी अपना टेबल करवे कोई लाइफ। तो ये चीज छे वीडियो आप देखियो, मतलब वीडियो बनला के बाद छे अहाँ सब देखबे और उम्मीद छे कि अहाँ सब बहुत अच्छा लागतै। और जे भी मान लीजिए युवा छे नए जनरेशन के, ओकरा लिए बहुत मोटिवेट मिलते और वो भी आगे बढ़े के प्रयास कर। तो चलो अब जे छे बाकी सब काम करे छे। देखियो अभी धर्मेंद्र जी के छत पर अयलो हन और यहाँ से इनकर पूरा ग्रामीण क्षेत्र देखार पड़े छे। हर एगो चीज देखाबो अभी यहाँ के मानसून की वजह से बाहर वाला सीन देखार पड़े छे। मानसून की वजह से छे बार वाला पानी छे मानसून वाला, देखियो। और कहीं के क्षेत्र बाढ़ ग्रसित इलाका छे, खराब भर जाता है। और अहाँ सबके नाम है हर साल के लिए हमारा के अपन परिवार के साथ सुना है, लेकिन अब तो अपन सब व्यवस्था कर लेंगे घरे पर सब कुछ उपलब्ध करा। चलो अभी लोकेशन ढूंढने चलिए कहाँ पर वीडियो शूट करिए, क्योंकि इको बहुत ज्यादा आवे छे रूम में। तो चलो खैर यहाँ पर अभी वर्तमान समय में ओहि चीज के लिए जे छथिन सेटअप नहीं तैयार कलखिन हन, सेटअप तैयार भए जेतै भविष्य में मौका मिलते तऽ घर पॉडकास्ट शुरू भए जेतै ने। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं धर्मेंद्र जी। दोस्तों धर्मेंद्र जी के जीवन में एक ऐसा दौर था जब ये अपने परिवार के आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर घर ट्यूशन पढ़ाया करते थे, साथ में स्कूल में यानी प्राइवेट संस्थानों में भी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। और अभी वर्तमान समय में इनका यूट्यूब पर चैनल है जिस पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, साथ में ये 4-4 वेबसाइट चलाते हैं जहां से इनकी महीने की कमाई इतनी हो जाती है कि हर महीने आईफोन का लेटेस्ट वर्जन वाला फोन खरीदा जा सकता है। और तो और इन्होंने अभी शेयर मार्केट में भी अपना पांव रख दिया है। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल को और अनुभव को समझने का प्रयास करते हैं। अभी देखियो धर्मेंद्र जी के जो घर छे ग्रामीण इलाका में छे, सिचुएशन कुछ इस प्रकार के छे। और इनकर घर के फ्रंट लुक ये छे, और फ्रंट लुक से अपने सबके अंदाजा लगा सके छी शहरी मॉडल के तर्ज पर छे। और देखियो कुंदन जी बगानी में फोटो खिंचाबे के, खैर कोनो बात नहीं, हम अपन गाड़ी जे छे बहुत गरम भए गेलै हन, अब निकले छी। बाय बाय।